प्राइम प्रोडक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। अवैध खनन और ओवरलोडिंग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन। चरखे दादरी में अवैध खनन और ओवरलोडिंग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय जॉइंट कोऑर्डिनेटर राजू मान की अगुवाई में आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार राजकुमार शर्मा को सौंपा। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय परिसर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किए। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अवैध खनन और लोडिंग की सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अवैध खनन और लोडिंग की सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। कांग्रेसियों ने कहा कि महज ओवरलोडिंग के लिए विशेष जांच दल गठित करके सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकती है, जबकि इसकी मूल जड़ अवैध खनन है। इसमें शामिल क्योंकि जब तक ऊपर की सह नहीं होगी ये संभव नहीं है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग पे किसी तरह की रोक लगे। तो वो कौन कौन लोग दोषी है वो तभी सामने आ सकते हैं जब इसकी सीबीआई जांच हो। तो हम गवर्नर महोदय को ये ज्ञापन भेजा है और हमें उम्मीद है कि अगर सरकार की नीयत साफ हुई, क्योंकि सरकार एक तरफ ढोंग करती है कभी ईमानदार और पारदर्शी है, उनकी पारदर्शिता का ईमानदारी का इसमें सच सामने आ जाएगा। तो अभी आपने ज्ञापन भेजा है, इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या क्या कार्रवाई? ये नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे सड़क के उतर के संघर्ष करेगी और आंदोलन करने पर मजबूर होगी। मूल जो जड़ है वो अवैध खनन है। अगर अवैध खनन नहीं है ओवरलोडिंग पे आदि लगाओ तो वैसे ही लग जाएगा। हमने ये भी कहा है कि अगर आपको रोक लगानी है तो आप जो क्रेशर है जहाँ से माल निकलता है, जहाँ से ओवरलोडिंग होती है, आप वहीं पर चेक पॉइंट बना दें प्रशासन, ताकि किसी तरह की ओवरलोडिंग हो ही ना। और इसकी वजह से अवैध खनन और ओवरलोडिंग है, इसकी वजह से हर रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। पीछे कल्याणा में नीचे चौहा पानी निकला है, वहाँ अवैध खनन हुआ, उसकी वजह से अंदोला के युवा को है ना अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और हर रोज़ सड़क पे हम देख रहे हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब तीन चार दुर्घटनाएं ना होती हुई इस ओवरलोडिंग की वजह से। तो हमने ये मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। पीछे ऐसा है कि जब जांच बिठाई उसमें ये आया था कि करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ ओवरलोडिंग को लेकर महीने का होता था, जो कि अरबों रुपये तक पहुँच जाएगा। और ये सीबीआई जांच होगा तभी। सरकी दादरी से साहिल गिधर की एक रिपोर्ट।